Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. So guys, हम लोग आज आए हैं मुरबाड़ के आसपास किसी गांव में है, हीरा गोट फार्म पर. और हमारे साथ है ज़ुबैर भाई. आप लोग पहले इन बकरियों को देखें और फिर उसके बाद हम लोग आपसे आपकी मुलाकात ज़ुबैर भाई से कराएंगे. ठीक है, आ जाइए. ज़ुबैर भाई, इस तरफ लेने बोलो ना. हम लोग बकरियों को इस तरफ लेंगे ग्रीनरी में और इंशाल्लाह फिर आपको मुलाकात कराएंगे ज़ुबैर भाई से. ठीक है, प्रमोद सबको बाहर ले. माशाल्लाह, ये देखिए. आइए हम लोग बात करेंगे ज़ुबैर भाई से और जानेंगे ये जगह एग्जैक्टली है किधर. और हम लोग आज इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या बातें करेंगे और क्या क्या नॉलेज वाली बातें आपसे आपको आज सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह इस वीडियो में. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई. वालेकुम अस्सलाम. ज़ुबैर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको यहाँ पे आने का मौका दिया. ठीक है ज़ुबैर भाई, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो. उससे पहले भी आप आए दूसरे चैनल्स पे आ चुके हो. फर्स्ट टाइम एमएसक्यू व्लॉग्स पे आप आ रहे हो. ठीक है, तो ये छोटा सा हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन देना और फिर हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे इन बकरियों के बारे में और अपने सेटअप के बारे में. जो भी है दो अपने चार पांच वीडियो की सीरीज बनाएंगे इंशाल्लाह, वो सारी धीरे धीरे अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर करेंगे. तो सबसे पहले तो अपने बारे में, ये इस फार्म के बारे में कुछ बताइए ना. तो बेसिकली ये हम लोग ने फार्म स्टार्ट किया था, एक साल हो गया हम लोग को. एक साल सितंबर में लास्ट ईयर स्टार्ट किए थे. ओके, और एक साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हम लोग को. और कैसा है कि ये यूट्यूब का जो था, हम लोग ने इनिशियल पे हम लोग ने स्टार्ट नहीं किए थे. पहला क्या किए थे हम लोग ने कि ना पूरा एक साल हम लोग को टाइम लगा सेटअप करते करते. आहिस्ते हम लोग ने अराउंड 8 बकरे से स्टार्ट किए थे यहाँ पर. 8 बकरे से पर्सनल हमारे बकरे थे और फर्स्ट टाइम हम लोग को किसी ने 2 बकरे पलाई पे दिया था. और इंशाल्लाह एक साल की पूरी जर्नी पे आज आप देख रहे हो कम से कम अराउंड 70 बकरे पलाई पे है. 70 बकरे दोनों मिला के ना, फीमेल मिला के अपने मिलाकर 35 फीमेल है और अराउंड 35 मेल अपने पास. माशाल्लाह, वापस से बारिश शुरू हो गई. इनको अंदर ही ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वापस बारिश हो रही है ना. ठीक है फरहान भाई, अपने पास फीमेल्स कितनी है? अपने पास अराउंड 35 फीमेल्स है. सॉरी ज़ुबैर भाई, सॉरी, अपने पास 35 फीमेल्स है. अगर आप जैसे क्वालिटी देख रहे हो, माशाल्लाह सारी इम्पोर्टेड, मतलब है ना, मतलब अल्पाइन हो गया, साहेल हो गया, बोर हो गया, मतलब देखा है तो एक्सोटिक से टोटल एक्सोटिक में ही मैं देख रहा हूँ. सोजत हो गया, ये सब नहीं है अपने पास. ओके, प्योर एक्सोटिक फीमेल जो है, ये पूरी एक्सोटिक फीमेल है. माशाल्लाह, इसका अपना ब्रीडिंग सेटअप भी है. ओके, अपन ब्रीडिंग सेटअप भी चलाते हैं. ब्रीडिंग सेटअप भी चलाते हैं हम लोग. ओके, जो ये जितनी भी बकरियां आप देख रहे हो, ये अराउंड 35 फीमेल्स है. ये सारी हमारी क्लाइंट की फीमेल्स ही है, जिसके बकरे हमारे पलाई पे, उनकी फीमेल्स है. ओके, समझो तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ब्रीडर से ब्रीडिंग कराते हैं. ओके, और उनके बच्चे जो है हमारे जितने फार्म पे बच्चे पैदा, आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो पे, तो उस हिसाब से उनको रखना है, रखते हैं वो, अगर नहीं तो भी सेल आउट कर देते. ओके, तो हम लोग पलाई वगैरह पे भी रखते हैं बकरे. हमारे पास बकरे भी पलाई पे है, हमारे पास फीमेल भी पलाई पे. आप देख रहे सारी फीमेल पलाई पे, टोटल अपने एक भी नहीं है. एक ही फीमेल यमनी है जो मेरी पर्सनल है, बाकी सारी फीमेल आप देख रहे हो सब पलाई पे फीमेल है. 100% पलाई की फीमेल्स है. ओके, ये तो फीमेल भी हम लोगों ने शुरुआत की थी, एक दो फीमेल्स है. ओके, अभी माशाल्लाह 35 फीमेल्स पलाई पे अपने पास. माशाल्लाह, हाँ. तो ज़ुबैर भाई, पलाई का रेट क्या है अपने यहाँ पर? देखो फीमेल्स का पलाई का रेट ना जो 2500 रुपया है. अगर कोई क्वांटिटी में फीमेल देता है मेरे को, 5-6 फीमेल जो भी है, तो उस पर हम लोग फिर हिसाब किताब रेट का कर लेंगे. और कैसा होता है फीमेल्स का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फीमेल की पलाई थोड़ी सी ज्यादा भारी पड़ती है. फीमेल को टेक केयर करना पड़ता है, उसकी डिलीवरी हो गई, बच्चों का अपब्रिंगिंग हो गया. बच्चा पैदा हुआ तो पहला 4 महीने हम लोग पलाई लेते नहीं है. पलाई नहीं लेते. ओके, फर्स्ट 4 मंथ्स पलाई इज फ्री. तो वो 4 महीने में जिस भाई की पलाई बकरी हमारे पलाई पे आती है, तो उनकी बच्चा वो बेच सकते हैं. ओके, तो ही कैन रिकवर द मनी ऑफ हिज पलाई. सही है, समझ रहे हो. अभी कैसा है कि हमारे पास, अभी आपको, आपने देखे, अभी शो नहीं किया हमने, हमारे पास इम्पोर्टेड सानिन है अंदर, बहुत अच्छी अच्छी IMP ब्रीडर सानिन अंदर खड़े हुए. तो जिस भाई को आपकी फीमेल लेके आनी है और इनसे ब्रीडर से ब्रीड कराना है, वो भी कर सकते हो. वो भी ऑप्शन है, वो भी. तो हमारे जो ओनर लोग है, जो ब्रीडर्स के, उनका जो नॉमिनल चार्ज लेगा, वो आपको चार्ज करेंगे और आपकी फीमेल आपको लोड करा के देंगे. माशाल्लाह, तो ये भी बहुत अच्छी, मतलब ये हम लोग ले रहे हैं. सही है, हाँ, इसमें किसी का ओनर को कोई एतराज नहीं है. ओनर ने, हमने ओनर से परमिशन लेके, ये हम एक रेट चार्ट है कि ये IMP ब्रीडर का ये रेट है, इसका ये रेट है.
तो आप ओनर मतलब जो बकरी आप हमको पलाई पे दे रहे हैं वो आप आए हमारे फार्म पे पर्सनली ब्रीडर सिलेक्ट करें उसके बाद ब्रीड करवाएं, आपको जो मर्जी चाहिए आप ब्रीडर सिलेक्ट कर सकते हो और हम आपकी बकरी ब्रीड कर सकते हो। सही है, मेरे पास अराउंड 1.5 लाख से स्टार्टिंग आने हैं इम्पोर्टेड विद मदर एंड फादर प्रूफ एज वेल, माशाल्लाह। ठीक है, तो जिसे के जो भाई को महंगा सानिन खरीदना नहीं है पर उनके पास फीमेल है लेकिन इजीली कम ईयर उनकी फीमेल लाके ब्रीड कर सकते हैं हमारे पास। सही है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये अच्छा हुआ कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस चीज़ को कवर किया, बहुत ज़्यादा अच्छा था ये चीज। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग मेल के पलाई के बारे में बात करें तो मेल की पलाई क्या है भाई? देखो मेल की पलाई है ना मेरे पास अभी अंडर जो 50 kg है, अंडर 50 kg इसका मैं 2500 चार्ज कर रहा हूँ। ओके, और 50 kg के ऊपर है तो 3000 रुपया, 50 kg के ऊपर है तो 3000 रुपया, और 50 kg के अंदर 2500 रुपये। ओके, अगर कोई बंदा या कोई हमारे भाई जैसे क्वांटिटी में बात करते हैं 4-5 बकरे 6 बकरे तो उसके अंदर मैं एक बेस्ट प्राइस करके दे दूंगा उनको। सही है, सिंगल डबल के लिए वही प्राइसिंग है। ओके, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं प्राइस क्यों चार्ज कर रहा हूँ। ओके, समझ लो जैसे कि अभी आप ये फीमेल देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये फीमेल देखो, ये इम्पोर्टेड फीमेल है ये वाली, ये ओके ये वाली, फिर ये देखो ये जैसे कान एकदम खड़े है 11 नंबर, ये फीमेल इम्पोर्टेड है। समझ लो ये बोर की क्वालिटी देखिए आप, ये बोर की वेट कम से कम 50-60 kg की बोर है ये फीमेल। ये फीमेल देखिए माशाल्लाह, वो देखिए ब्राउन एंड ब्लैक, समझ रहे हो सानियन के अंदर, ये व्हाइट एंड ब्लैक देखिए ये भी सानियन के अंदर है ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट खड़े कान में सामने मुंह पूरा गुलाबी, ये भी सानियन है वो काला हरी फीमेल, समझ रहे। अगर आप यहाँ तो अपने पास बच्चे भी है ना, ये कश्मीरी फीमेल है माशाल्लाह, ये रूसी बर्बरी देखिए, ये देखिए रूसी बर्बरी का अल्पाइन पूरा एग्जॉटिक कलेक्शन है, ये यमनी खड़े कान में पेंसिल, क्या बात है क्या, ये अल्पाइन वो कश्मीरी ब्लैक एंड व्हाइट देखो, ये सानियन आप देखो, टोटल जो है कलेक्शन अपने पास पूरा पूरा एग्जॉटिक में है। ये काला हरी बोर अपनी होम ब्रीड है, अपनी होम ब्रीड है, इसका बच्चा है, इसका ये बड़ी वाली, ये भी इसका बच्चा देखो ब्राउन है, दोनों क्वालिटी देख, डबल एंटी का बच्चा देखो, क्या बात है माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये देखिए ये यूनिक कलर की फीमेल है, सानी नहीं है, मुंडी सानी, इसका आगे का शेड देखिए आप माशाल्लाह, इसके चेहरे का गुलाबी बन देखिए आप बहुत बढ़िया, ये ब्लैक मुंडी ये भी सानी नहीं है, ये लोडेड है हमारे ब्रीडर से लोडेड है ब्लैक मुंडी। ओके, अब सारी फीमेल आप देखोगे ना आपको यूनिक, उसका कलर देखिए आप, उसका शेड देखिए, बारिश ही तो हम बाहर निकाल नहीं पा रहे बकरियों को, अपन ने निकालने की ट्राई की है लेकिन वापस बारिश हो गई, इन लोगों का सेटअप है ये टेम्पररी है, मतलब बकरियां बाहर आके खाती है, इन लोगों का जो मेन सेटअप है वो पीछे बड़े पीछे की तरफ वहाँ थोड़ा काम चल रहा है। ओके, तो इसलिए ये यहाँ पर बन रहे लोग के लिए। ओके, तो ये अभी वापस वहाँ चले जाएंगे। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भाई हमको फीमेल पलाई पे देते हैं तो उनकी फीमेल जो है ना सेक्शन वाइज डिवाइड होगी, पूरा चार्ट रहेगा कि कब क्रॉसिंग हुई, कब गाबन हुई, किससे गाबन हुई, कब डिलीवरी पेंडिंग है, ये पूरा हमको अपडेट दिया जाएगा, ये पूरा चार्ट मेंटेन होता है। सही है, हमारे जो मुबीन भाई है जो मेरे दूसरे एक भाई है वो हम यहाँ पर फुल टाइम फार्मिंग करते हैं। ओके, मतलब उन्होंने जॉब से अभी रिजाइन कर दिया है, अब वो फुल टाइम फार्म यहाँ पर, मंडे टू फ्राइडे वो 24 घंटा फार्म पे ही रहते, वीकेंड पे घर पे आते, वीकेंड पे उसके अलावा हमारे पास हमारी 3-4 लोग की टीम है तो 24 घंटा फार्म पे रहती है और सपोर्ट करती है। हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज भी है यहाँ पर। ओके, समझ लो बहुत बढ़िया। अगर आप क्लाइमेट देखोगे तो क्लाइमेट तो भाई एकदम ऑसम हो रहा है यहाँ पर। उस साइड का अगर आप दिखाते हो ये तो ये हमारा प्राइवेट हमारा पेस्टिंग ग्राउंड है। okay. ये प्राइवेट है, ये बकरियां बाहर चढ़ने आती है पूरा। अगर आप दिखाओगे बाहर जो है ना ये बकरियां, हाँ, ये हमारा पूरा पर्सनल है। ओके, गेटेड कंपाउंड है, बकरी बाहर जाती नहीं है। देखो ये पूरा चढ़ने के लिए पूरा भार, आप व्यू देखे, ये आप व्यू देख लीजिए, वो जो ब्लैक गेट दिख रहा है वो हमारा एंट्रेंस है, वहाँ से इंटर करना है और ये पूरी जगह है, यहाँ जगह देखो बकरियों को, ये तो हमारा प्राइवेट घर है, यहाँ पे रूम बनाया गया है जिसपे लोग स्टे करते हैं, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है पूरा, यहाँ बकरिया हम छोड़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 बार बकरियां चरती है जो लोग जरूरी है फॉर ग्रेजिंग के लिए, इसमें लोग का मिल्क बनेगा, बच्चे लोग के लिए बच्चा अच्छा अंदर वो होएगा, सही है, तो उन लोग के लिए बहुत जरूरी है ग्रेजिंग। गांव के अंदर बकरियां स्टॉल फीड नहीं पलती है, ग्रेजिंग पे ग्रेजिंग पे, पर बॉम्बे के अंदर किया है ये आप देखोगे ना तो एक प्रॉपर फार्म सेटअप है माशाल्लाह, मतलब एक्चुअल ऑथेंटिक फार्म बोलते जैसा, हाँ जैसा फार्म जैसा, ऐसा नहीं है कि अपने सेटअप बांध दिए बना दिए और फार्म डाल दिए, हाँ यहाँ पर आपको एक्चुअल में 100% पूरा फार्मिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, समझ रहे हो, ऑथेंटिक फार्म है, आप देख रहे हो क्लाइमेट बारिश अभी है तो हम बाहर नहीं जा पा रहे, सही है, बारिश तो बार बार हो रही है तो हाँ। इसलिए बाहर निकल नहीं पा रहे, ये बकरियाँ हम पीछे जब ट्रांसफर करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं माशाल्लाह, ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट भी था,
और इसमें हम लोग ने फीमेल भी बता दी और हम लोग ने पलाई के बारे में भी इसमें डिस्कस किया। अभी आगे हम लोग अपने ब्रीडर्स दिखाएंगे और बाकी सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।